नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जिले में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बुधवार की देर शाम आजसू पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का नेतृत्व आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम ने किया। गांधी चौक से निकला कैंडल मार्च सिंधु कान्हू मुर्मू पार्क पहुंचा। कैंडल मार्च में शामिल आजसू कार्यकर्ता मुंह में काली पट्टी लगाए हुए थे, हाथों में लालटेन तार पंखा लिए हुए थे। यहां आजसू जिलाध्यक्ष झारखंड सरकार सहित ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर जमकर हमला बोला। आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर ने कहा कि अनियमित बिजली आपूर्ति की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से छोटे उद्योग कल कारखानों का संचालन बंदी के कगार पर है। वही प्रखंड अध्यक्ष रफीक अहमद ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री का क्षेत्र होते हुए पाकुड़ के लोगों को बिजली की समस्या झेलनी पड़ रही है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि शासन प्रशासन को जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं रह गया है, जिसके चलते आज अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आजसू नेताओं ने बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं होने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने का भी ऐलान किया। कैंडल मार्च में शामिल आजसू कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें सांसद विजय हांसदा सो रहे हैं। कृपया हॉर्न बजाकर परेशान न करें, धन्यवाद। बिजली मांग कर मंत्री जी को शर्मिंदा ना करें। बिजली देना मंत्री जी की क्षमता से बाहर है। ये जो हालत है, ये सब तो सुधर जाएंगे जब ये झूठी सरकार कुर्सी से उतर जाएंगे। बेशर्म नेता की बेशर्म राजनीति हो गई है। इनके हाथों से पाकुड़ की दुर्गति हो गई है। मंत्री का अदा है सबसे निराली, इसलिए बिजली से दूरी बना ली। जब से झूठे नेता आ गए हैं प्रभाव में, जनता परेशान है बिजली के अभाव में, आदि नारे लिखे हुए थे। बीमारी का तरफ कर दिया, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए जो है हम लोग इसके लिए कितना बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन बिजली की समस्या दूर नहीं हो रही है, जिसके चलाना जो कारण हम लोग आज मौन धारण किए हैं। और आप लोग के थ्रू ये मंत्री जी को, एमपी साहब को और हमारे विकास मंत्री साहब को ये न्यूज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का पाकुड़ की बिजली व्यवस्था को सुधार की जाए। यदि इसके बावजूद भी सर बिजली व्यवस्था, लचर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी? अगर बिजली व्यवस्था सुधार नहीं हुई तो आगे जाकर इससे भी जो है हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। वी टाइम न्यूज के लिए पाकुड़ से एहसान आलम की रिपोर्ट।